सो यार आज हम यहाँ बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। एक तो है हमारे पास ये मूसली और दूसरी चीज़ पड़ी है हमारे पास ओट्स। अब ये दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो आज हम बात करने वाले हैं दोनों कैसे हैं, लाइक मूसली कैसा है और ओट्स कैसा है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों के बीच में क्या क्या चीज़ें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, और ज़्यादा हेल्दी कौन सा है अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो, या अगर आप अपना मसल गेन करना चाहते हैं तो। सो बने रहिए इस वीडियो में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मूसली से। सो आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास एक मूसली पड़ी हुई है, इस ब्रांड की है। सो बेसिकली ये जो मैं जो भी वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन बताऊँगा वो डिफरेंट ब्रांड्स के लिए थोड़ा थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होता है सबका। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूसली के बारे में। सो मूसली बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है ड्राई फ्रूट्स का, और बेसिकली फ्रूट को डिहाइड्रेट्स करते हैं, डिहाइड्रेट करने के बाद उस फ्रूट को इसमें डालते हैं, साथ ही में ड्राई फ्रूट जो काजू किशमिश बादाम ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं, और उसके बाद से इसमें ओट्स भी यूज़ करते हैं, शुगर भी यूज़ करते हैं, ऑयल भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिफरेंट ब्रांड जो होते हैं वो डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स रखते हैं और उनका परसेंट डिफरेंट होता है। तो इसमें पहले बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ों की। सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसमें, इसमें इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ ओमेगा 3। अगर आप ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स चाहते हैं तो मूसली के साथ जा सकते हैं। इसमें अच्छा प्रोटीन होता है, अच्छा फाइबर होता है, साथ ही साथ में आपको अच्छा कार्ब्स मिलेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसमें बुराइयाँ क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है। तो क्या होता है आप देखेंगे इसमें यहाँ पे पैकेट पे क्रंची मेंशन है। तो कभी कभी क्या होता है क्रंची बनाने के लिए कई कंपनीज क्या करती हैं, इसमें ऑयल का यूज़ करती हैं, ऑयल में टॉस कर देती हैं, जिससे ये थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, यानी कि इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो डाउन आ जाती है। सो एक इसका नेगेटिव साइड है। दूसरी चीज़ है इसमें शुगर यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे टेस्टी बनाना होता है, इसलिए इसमें शुगर का यूज़ किया जाता है। तो ये बात हो गई मूसली की। चलते हैं ओट्स पे। अगर बात करें ओट्स की तो ओट्स अनप्रोसेस्ड ग्रेन है, जो कि इसे नेचुरल फॉर्म में ही पैकेट में करके दिया जाता है। ये डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है, स्टील कट ओट्स होते हैं, रोल्ड ओट्स होते हैं। अभी मेरे पास जो है इंस्टेंट ओट्स है, और मोस्टली अगर इंडिया में देखा जाए तो हम लोग इंस्टेंट ओट्स ही यूज़ करते हैं। तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा इंस्टेंट ओट्स के बेसिस पे ही दूंगा। तो चलिए अब एक बार इंस्टेंट ओट्स और इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ओट्स जो होता है बहुत हेल्दी होता है। अगर आप कोई भी अपना डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, लाइक आपको मसल गेन करना है या फैट लॉस करना है, दोनों ही केस में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्ब का सोर्स है, साथ ही में इसमें प्रोटीन फाइबर बहुत अच्छे मात्रा में होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो कंपैरिजन करना दोनों में, दोनों में से कौन सा बेटर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं कंपैरिजन कर रहा हूं वो 30 ग्राम की सर्विंग के बेसिस पे कर रहा हूं, यानी कि 30 ग्राम की हम सर्विंग लेते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ट में कि 30 ग्राम मूसली और 30 ग्राम अगर ओट्स लेते हैं तो एनर्जी अगर देखें तो मूसली में आपको करीब 105 कैलोरीज मिलती है, जबकि वहीं ओट्स में आपको करीब करीब 160 कैलोरीज देखने को मिल जाती है। बात प्रोटीन की करें तो प्रोटीन जो मूसली में होता है करीब 2.7 ग्राम होता है, जबकि ओट्स में बहुत ही ज़्यादा करीब करीब डबल होता है, जो कि होता है करीब करीब 5 ग्राम। यही कार्बोहाइड्रेट करीब करीब 24 ग्राम देखने को मिल जाता है मूसली में, वहीं अगर ओट्स की बात करें तो उसमें भी अराउंड 25 ग्राम्स कार्ब्स मिलता है। तो कार्ब्स ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, बट शुगर की बात करें तो ओट्स में किसी भी तरह का कोई शुगर ऐड नहीं होता है। यहाँ पे हम इंस्टेंट ओट्स की बात कर रहे हैं, वाइट ओट्स की बात कर रहे हैं, फ्लेवर्ड ओट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे शुगर इसलिए आपको जीरो देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर बात करें मूसली की तो मूसली में करीब करीब 3 से 5 ग्राम के बीच में शुगर यूज़ करते हैं। साथ ही में अगर बात करें फाइबर की तो यहाँ पे फाइबर आपको मूसली में 2.2 ग्राम मिलेगा, लेकिन यही ओट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको करीब करीब 4 ग्राम फाइबर मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है एक मील के हिसाब से। साथ ही में फैट की अगर बात करें तो फैट आपको मूसली में मिलता है 1.2 ग्राम, जबकि ओट्स में मिल जाता है 3.5 ग्राम, जो कि हेल्दी फैट है ओट्स में। तो ये सारी बातें हो गई दोनों के कंपैरिजन की, आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। अब चलिए बात कर लेते हैं भाई कॉस्ट की, कि दोनों में कॉस्ट का क्या डिफरेंस है। तो कॉस्ट का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, करीब करीब 3 गुने का फर्क है। अगर हम बात करें मूसली की तो मूसली का 750 ग्राम का जो पैकेट आता है उसकी MRP होती है करीब करीब 450 रुपये, यानी कि आपको ऑफर के बाद भी 400 से 420 रुपए के अराउंड में मिलेगा। लेकिन वहीं अगर ओट्स की बात करते हैं तो ओट्स का आधा किलो का पैकेट 500 ग्राम का पैकेट आपको मिलता है सिर्फ 100 रुपए में। तो ये बात हो गई मूसली की ओट्स की। ओट्स आपने देखा होगा, मूसली अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है, अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो। इसमें आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स, रेजिन्स
और ओट्स और बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। सो ये होता है मूसली। सो अगर आपको वेट लॉस करना है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा मूसली के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा शुगर मिल जाता है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। वहीं अगर बात करें गेन की, मसल गेन करनी है या आपको गेनिंग करना है वेट में, तो आप वेट गेनर वगैरह अगर ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड नहीं करते हैं, तो आप मूसली के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ फैट लॉस के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।